Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss our lecture third on number system. Previous turn पे हमने decimal number system और binary number system discuss किया था, ठीक है? अब इस turn पे हम octal number system क्या होता है इस पे हमारा एक discussion होगा, ठीक है? तो basically देखिए, अगर octal number system की बात करें तो इसमें ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो क्या है, एट है, ठीक। इसका मतलब ये है कि इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी वो कितनी होंगी, एट होंगी। अब वो नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। नंबर ऑफ डिजिट्स इन ऑक्टल नंबर क्या है, 0 to 7 होती है, ठीक। अब चूंकि इसमें टोटल 8 डिजिट्स हैं, इसी वजह से इसका बेस क्या होता है, 8 होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हर पोजीशन का अगर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर आपने लिखा 1, 2, 3, ये क्या है, क्योंकि देखिए डिजिट्स क्या है, 1, 2, 3, और ये तीनों डिजिट्स ऑक्टल में भी होती हैं, इसलिए अब ये नंबर कौन सा है इस ये रिप्रेजेंट हो जाए, पता चल जाए, इस वजह से हम देखिए बेस को मेंशन कर देते हैं। अदरवाइज देखिए 1, 2, 3 तो आपका डेसिमल भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है 1, 2, 3, ठीक है, डेसिमल भी हो सकता है, बाइनरी तो नहीं हो सकता लेकिन डेसिमल तो हो सकता है ना। तो इसलिए हम वो नंबर सिस्टम आपको पता चल जाएगी किस नंबर सिस्टम में हम उसका बेस को मेंशन कर देते हैं। अगर बेस 8 है इसका मतलब क्या, वो ऑक्टल नंबर सिस्टम है। अब देखिए अगर मान लीजिए अगर आपने कोई नंबर ऑक्टल में लिखा 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हर डिजिट का क्या होता है, हर डिजिट का एक कुछ वेटेज होता है, ठीक। तो जैसे ये राइट से अगर आप देखें, जो इसे हम बोलते हैं LSB बोलते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये आपकी क्या होता है, MSB बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो LSB राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होती है उसका बेस, उसका जो वेटेज होता है वो होता है, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है, बेस 8 है, इसलिए इसका वेटेज है 8 to the power 0। नेक्स्ट है उसका क्या होगा, 8 to the power 1, फिर नेक्स्ट 8 to the power 2, फिर नेक्स्ट 8 to the power 3। तो यही चीज को रिप्रेजेंट किया हमने कि भाई वेटेज जो इस तरीके से बढ़ता है आपका हर डिजिट का, जैसे जैसे आप लेफ्ट में डिजिट्स बढ़ती जाएंगी उसका वेटेज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। हाँ, आप देखिए कैसे, आप जैसे अगर आपने कोई डेसिमल ऑक्टल में कोई नंबर सिस्टम, कोई भी नंबर अगर आपने ऑक्टल में लिखा है तो उसे कैसे आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, कैसे इक्विवेलेंट डेसिमल, क्योंकि जानते हैं ज्यादातर नंबर्स क्या है, हम डेसिमल में ही ज्यादातर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो किस तरीके से किसी ऑक्टल नंबर को आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ये मेथड आपका है डिफरेंट स्टेप्स की मदद से, कैसे हम, जैसे आपका नंबर है, आपका देखिए यहाँ पे 1, 2, 5, 7, 0, ये एक ऑक्टल नंबर है क्योंकि इसका बेस 8 मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका ऑक्टल नंबर है। इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा, इसे अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या होगा, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, देखिए हम सारी डिजिट्स, इसमें कितनी डिजिट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, तो अगर आप लेफ्ट, जब आप जब कन्वर्ट करते हैं तो बेसिकली हम लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम उसी तरीके से उसके वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कितनी डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं, ठीक है, ऑक्टल की 5 डिजिट्स हैं, तो इसका वेटेज क्या होगा, 8 to the power 0, नेक्स्ट इसका वेटेज होगा 8 की पावर 1, इसका वेटेज होगा 8 की पावर 2, इसका वेटेज है 8 की पावर 3, और इसका वेटेज होगा 8 की पावर 4। तो अब एक चीज आपने ऑब्जर्व किया कि चूंकि इसमें कितनी डिजिट्स थी, 5 डिजिट्स थी, तो जो पहला लेफ्ट से अगर आप स्टार्ट करते तो जो 5th डिजिट है उसका वेटेज क्या है, 1 कम 8, तो बेस है उसका, क्योंकि ये ऑक्टल है तो बेस उसका 8 होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ डिजिट से 1 कम, ठीक है, तो 4। तो आपने यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कीजिए, आप नंबर ऑफ डिजिट्स आपको पता है, वेटेज आपने देखा, तो नंबर ऑफ डिजिट्स 1 into 8 की पावर 4 प्लस, जोड़ दीजिए सबको, अब नेक्स्ट डिजिट आपकी क्या है, 2 है, तो 2 into उसके वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 3, फिर नेक्स्ट डिजिट है 5, 5 into उसका वेटेज क्या है, 8 to the power 2 से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट है हमारी 7, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 7 है, तो 7 को हम क्या है उसके वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, फिर उसके बाद लास्ट डिजिट जो है राइट से अगर आप देखें तो 0 है, तो उसका वेटेज क्या है, 8 की पावर 0,
ठीक है, तो इसके वेटेज से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आपका ऑप्टेन होगा, देखिए मल्टीप्लाई करने पर आप जानते हैं 8 की पावर 4 क्या होता है, 8 की पावर 4 होता है 8:8:8:8। मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपका 4096 आ जाएगा। फिर 8 की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, 1024 हो जाएगा। अब 8 5 × 8 की पावर 2 करेंगे तो ये 320 हो जाएगा। 7:8 क्या होता है, आप जानते हैं 8 की पावर 1 बेसिकली क्या होता है, ये 8 के इक्वल होता है। ठीक, तो 8:7 क्या होता है, 56, आप ये जानते हैं। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। सबको जोड़ देंगे तो आपका रिजल्टेंट सम क्या हो जाएगा, 5497 5496। तो ये इक्वलेंट आपका जो डेसिमल नंबर है वो क्या है, नंबर आपका ऑक्टल में था 12570, ठीक है, ये ऑक्टल में था, उसका इक्वलेंट जो है डेसिमल में क्या आया, 5496। ठीक, हाँ। अब देखिए नेक्स्ट जो है, अगर मान लीजिए कोई भी आपने नंबर लिया इस तरीके से, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक, अब एक एग्जांपल हम उसमें देखेंगे, बाइनरी हमने कोई नंबर लिया जैसे उसका ऑक्टल में, जैसे यहाँ पे देखिए हमने 1 2 3 4, ठीक है, ये आपने ऑक्टल में ले लिया। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जब कभी भी आपको डेसिमल में किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना होता है, बेसिकली हम क्या, उसके वेटेज से, उसकी डिजिट्स को उसके वेटेज से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए डिजिट्स कितनी है, 4 डिजिट्स हैं, ये 4 डिजिट ऑक्टल नंबर है। ठीक है, तो अब हम सबका वेटेज जानते हैं, अगर क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है तो इसका वेटेज क्या होगा, सबसे अगर राइट से स्टार्ट करेंगे 8 की पावर 0, इसका 8 की पावर 1, इसका 8 की पावर 2, इसका 8 की पावर 3। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे 1:8 की पावर 3 प्लस 2:8 की पावर 2 प्लस 3:8 की पावर 1 प्लस 4:8 की पावर 0। ठीक है, आपने किया तो 8 की पावर 3 क्या होता है, 8 8 64 8:8 जो भी आएगा। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे, सम करके फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट आपका डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो ये आपका देखिए एक मेथड होता है। लेकिन अब देखिए इस मेथड से आप बार बार, आप ये पावर अगर आप ना लिखे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपका एक नंबर हो क्या 1 2 3, ठीक है, अब इसको आपको लिखना है किसमें, ये देखिए ऑक्टल नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है कहाँ, किस फॉर्म में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। जब भी आपको कन्वर्ट करना तो डायरेक्टली बिना वेटेज किए भी कर सकते हैं। डायरेक्टली देखिए लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए, अब देखिए लेफ्ट जो नंबर डिजिट है 1 है, इसके राइट में कितनी डिजिट्स, तो राइट में कितनी डिजिट्स है, 2 डिजिट्स। इसका मतलब हम इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि ये नंबर ऑक्टल है तो बेस क्या होगा, 8 होगा। इसका मतलब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 to the power 2 से, क्योंकि उसके राइट में 2 डिजिट्स है। तो डायरेक्टली अब ऐसे कर सकते हैं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं वेटेज। ठीक है, तो 1:8 की पावर 2 प्लस, अब देखिए जो नेक्स्ट डिजिट है 2, उसके राइट में कितने डिजिट्स है, 1। इसका मतलब 2:2 क्या होगा, 8 की पावर 1 होगा। ठीक, प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है, 3 है, अब उसके राइट में कितने डिजिट्स हैं, कोई भी डिजिट नहीं है, 0। इसका मतलब 3:2 क्या हो जाएगा, 8 की पावर 0। अब ये आप फाइंड आउट कर लीजिए 8 की पावर 2 क्या होता है, 64 होता है, तो 64:1 64 हो जाएगा। 8 की पावर 1 8 होता है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्लस 8 की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 64 प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका 16 प्लस 3 19, ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 8। 83 आपका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट डेसिमल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी नंबर का इक्विवेलेंट डेसिमल फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी ऑक्टल नंबर है उसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से, कि हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से और ये देखेंगे कि उस डिजिट के राइट में कितनी डिजिट्स हैं, जितनी डिजिट उसके राइट में होंगी हमारा जो वेटेज होगा उतना ही होगा। जैसे अगर ये ऑक्टल नंबर है, क्योंकि हम ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेस तो आपका 8 ही होगा। अब जितनी भी डिजिट्स उसके राइट में होंगी वो उसका पावर होगा। जैसे अब देखिए जो डिजिट 1 थी उसके राइट में 2 डिजिट्स थी, तो इसलिए उसका पावर क्या था, वेटेज 8 to the power 2 था। ठीक है, इस मेथड से क्या है, देखिए आप बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन क्या हो, 5
4, ये आपका क्या है ऑक्टल नंबर, सॉरी ये ऑक्टल नंबर हो, इसको आपको क्या है इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तो डायरेक्टली क्या आप कर सकते हैं, जैसे 4:2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्या है इसके राइट में कितनी डिजिट्स है, 1 डिजिट है, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा 1 + 5 × 8 की पावर, उस 5 के राइट में कितनी डिजिट्स है 0, तो 8 की पावर 0, तो 4 × 8 की पावर 1 क्या होता है 8 होता है, 8 × 4 = 32 होगा, + 5 × 8 की पावर 0 1 होता है, 5:1 क्या हो जाएगा 5, ये आपका क्या हो जाएगा 37, तो ये इक्विवेलेंट डेसिमल क्या हो जाएगा आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए इस तरीके से कोई भी ऑक्टल डिजिट को, किसी भी ऑक्टल डिजिट को आप जो है फाइनली क्या कर सकते हो, उसको इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट क्या, अब एक पॉइंट हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया कि अगर आपकी, चूंकि ऑक्टल जो डिजिट्स होती हैं, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपकी टोटल 8 डिजिट्स होती है, तो उन 8 डिजिट्स को हम क्या है 3 बाइनरी डिजिट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी ऑक्टल की डिजिट्स क्या है, देखिए आपकी जो ऑक्टल की डिजिट्स है वो क्या है 0 है 1 है 2 है 3 4 5 6 7, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो इन सबको क्या है आप 3 बाइनरी डिजिट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 0 क्या लिख सकते हो 0 0 लिख दो, ठीक है, ये आपके, आपने किस फॉर्म में लिखा बाइनरी फॉर्म में, ठीक है। इसी तरीके से 1 को आपने क्या लिखा 0 0 1, ठीक। इसी से 2 को क्या लिखेंगे 0 1 0, ठीक। इसी तरीके से 3 को क्या लिखेंगे 0 1 1, ठीक। 4 को लिखेंगे 1 0 0, ठीक। 5 को लिखेंगे 1 0 1, ठीक। 6 को लिखेंगे 1 0 सॉरी 1 1 1 1 0, ठीक है, ये 6 को आप लिखेंगे। इसी तरीके 7 को लिखेंगे 1 1 1, तो ये देखिए आपने सबको जो है ये मतलब ये है कि चूंकि बाइनरी जो ऑक्टल नंबर सिस्टम में टोटल 8 डिजिट्स होती है, उन सारी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, चूंकि देखिए अगर एक डिजिट और कोई हो जाती है आपकी, वो डिजिट अगर 8 होती, 7 की जगह 8 होती, तो आप जानते हैं 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो बाइनरी नंबर रिक्वायर्ड होंगे वो क्या हो जाएंगे 3, आपको 4 बिट्स रिक्वायर्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर 7, क्योंकि आपकी ये 0 से 7 तक है, तो 0 से 7 तक की डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 3 मैक्सिमम जो है, ठीक है, 3 बाइनरी डिजिट्स रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है, उससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं होंगी। तो 7 के लिए मैक्सिमम क्या है 1 1 3 0 1 हो जाए, तो ये आपका 7 होता है, ठीक। तो अब देखिए कोई भी नंबर सिस्टम को, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है, अगर आप जैसे यहाँ पे आपने बाइनरी, इस चीज को आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 0 1 है, ये बाइनरी में है, ठीक है। अब 0 0 1 क्या है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल आप फाइंड आउट कर लीजिए, डायरेक्टली देख लेंगे 0 × चूंकि ये बाइनरी है, ठीक है, अभी से हम डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका पावर बेस क्या होगा 2 होगा, और उसका पावर क्या, चूंकि 0 के राइट में कितनी डिजिट्स हैं 2 की पावर 0, तो +0 × क्या हो जाएगा 2 की पावर 1, +1 × क्या 1 के राइट में कोई डिजिट नहीं, तो 2 की पावर 0। अब देखिए 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 है, ये फाइनली क्या है आपका डेसिमल के फॉर्म में क्या हो गया 1 आ गया। देखिए अब आप चाहे डेसिमल फॉर्म में कहें या इसे आप ऑक्टल कहें, दोनों का डिजिट जो है 0 की, जैसे आप जानते हैं ये आपका ऑक्टल में हो, ये इक्वलेंट क्या होगा डेसिमल, दोनों इक्वल ही होगा, ठीक है। अगर आप देख लें एक, सिर्फ अगर एक डिजिट है तो उसमें दोनों फॉर्म इक्वल होगा, क्योंकि अगर सिर्फ एक डिजिट है तो इस डिजिट को आप इसको कैसे लिख सकते हो 0 × 8 की पावर 0 लिखो, या 0 × 10 की पावर 0 लिखो, दोनों बात एक ही होगी, क्योंकि ये तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये भी 0 ही आएगा और ये भी 0 ही आएगा, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आज जो है हमने देखिए ऑक्टल नंबर सिस्टम डिस्कस किया है, नेक्स्ट टाइम पे हम कुछ नए वीडियोस के साथ हाजिर होंगे।